सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आए हैं इस बार माथेरान वंस अगेन। वैसे दो साल पहले एक और ब्लॉग बनाया था हमें, तो वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, तो सोचा इस बार एकदम पीक सीजन है, एकदम टाइम पे आ जाता हूँ। तो मेरे साथ आया मेरा दोस्त वापस मोहित, यो अपना बिल्डर। तो या आज सैटरडे के दिन आया हूँ, तो काफ़ी क्राउड है। तो यहाँ तक हम लोग आते आते लाइक आई कैन से हमने वैन से आए थे हम लोग यहाँ तक, तो उसका चार्जेस हो रहा 100 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे आके 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री टिकट लिया है, बस दैट्स ऑल। सो सब देख सकते हो कितना सही लग रहा है, ग्रीनरी एकदम। वैसे क्लाइमेट तो एकदम सही टाइम पे आया है, बारिश भी नहीं है और एकदम फॉग था बाहर। यहाँ पे तो फॉग नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। इस बार ना बहुत ज़्यादा ऐसा क्राउडेड लग रहा है, और लास्ट टाइम ना बहुत एकदम शांत एरिया था, देख सकते हो कितना घोड़ा है यहाँ पे। अच्छा है यार, मतलब मस्त है। इस बार तो भाई कलरफुल बनाया है एकदम घोड़ा, येलो कलर, ब्लैक कलर, आई गेस आइडेंटिफिकेशन होगा कुछ, मे बी। अब तक तो ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को। वाव, तो देख सकते हो घोड़ा है आप, मस्त। कुछ बोल रहा था ये घोड़ों पे से अलग अलग कलर की पन्नियां लगाए, मतलब तीन टाइप के दिख रहे हैं अभी तक हमको, ब्लैक, येलो और ब्लू। तो मेरे को लगा कि वो आइडेंटिफिकेशन होगा कि एक वो एक जेंडर जेंडर वैसे एक फीमेल, सॉरी फीमेल बस। तो गाइस जस्ट हम लोग ने एंट्री किया है, तो देख सकते हो पीछे पूरा घोड़ा है, और सही है यार, मतलब इस बार थोड़ा सा क्राउडेड है। मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लोग वीक एंड पे मत आओ, वीक डेज पे आओ, ताकि आप एकदम यू नो इसका जो शांत वाइब है वो एंजॉय कर सको, तो एटमॉस्फेयर का आनंद उठा सको बेसिकली। या एक्चुअली तो थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, देख सकते हो ऊपर फुल ग्रीनरी है यहाँ पे, नसीब बिल्कुल भी धूप नहीं है, एक अच्छी बात है। बाकी फाक वहाँ पे है एंट्री, वेलकम टू माथेरान का क्रॉस लेगा क्या जी। बारिश गिर रहा है बारिश एक्चुअली में गिर रहा है, पानी गिरने लग गया गाइस। घोड़ा देख रहा है। ओ भाई भाई भाई, ये बात नहीं दिखाओ तो मतलब नहीं बनता है। वो रहा वेलकम टू माथेरान का गेट, और यहाँ पे लोग इसलिए इतना गर्द दिए हैं क्योंकि यहाँ पे है ट्रेन, अमन लॉज। मेरे हिसाब से अमन लॉज ही है यहाँ पे, तो लोग यहाँ से ट्रेन करते हैं अंदर माथेरान तक, तो हम लोग पूरा चलने वाला है, तो उसका ट्रेन टिकट है यहाँ से सी, और वेटिंग एरिया है पूरा, बहुत क्राउडेड है यहाँ पे, लाइन लगी हुई है मस्त वाला सी। अमन लॉज, अमन लॉज का स्टेशन आ चुका है। सो वैसे हमें ये रास्ता छोड़ के यहाँ से जाना है, बट ये भी पार्ट दिखा देता हूँ, फिलहाल तो कोई ट्रेन है नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारा बंदर है, एंड हाँ जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो ये जो रोड था ये बन रहा था सिर्फ, तो वो 2020 का टाइम है जब कोविड था, तब ये लोग ने ये वाला जो पूरा जो ले नीचे जो डाला है ये उस टाइम पे लोग ने किया है, उससे पहले नहीं था ये। तो उससे पहले लोग ना वो वाले रूट जाते थे जहाँ से ट्रेन ट्रैक है, तो रेल रूट से जाते थे लोग पूरा चल चल के, वो भी नज़ारा अच्छा दिखता है। बट मैं जब लास्ट टाइम आया था ना,
तो ये वाला नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस टाइम पे एक डिफरेंस ये था कि इतना क्राउड नहीं था उस टाइम पे वो, और थोड़ा सा और रेनी सीजन में आया था मैं। अभी जस्ट मानसून स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, बहुत कम बारिश गिरता है, बट अभी गिर रहा है, वो एक अच्छी बात है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना जहाँ से अपन नेरल स्टार्ट किया ना, वहाँ पे तो बहुत धूप धूप था, मतलब था थोड़ा बहुत धूप था ही वहाँ पे, तो या अच्छा लग रहा है। तो हमारा भाई मोहित कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो पहली बार है माथेरान, क्योंकि मैं कभी आया नहीं हूँ, शायद बचपन में आया होऊंगा, लेकिन अभी का तो आइडिया नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा या तो अगर आप महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो और धूप से परेशान हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे इतना बिल्कुल। धूप नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे तो आते आते फॉग देख लिया था हम लोग। सो या जस्ट 5 मिनट हुआ रहेगा एंट्री करके, चल रहा है चल रहा है। एक चीज दिखाता हूँ, मानना पड़ेगा भाई, ये लोग को बहुत ताकत लगता है इसके लिए। तो ऐसे हाथ पे ट्राइपॉड लेके चल रहा हूँ सी आगे के ओर। इस बार ना थोड़ा अलग से वीडियो आने वाला है, तो इस बार मैं मोस्टली ट्राइपॉड वगैरह लेके आया हूँ, तो कैसा वो वाला व्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, देखते कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। सो लास्ट टाइम भी ये एरिया बहुत सुंदर दिख रहा था, ये एरिया में पता नहीं हर टाइम फॉग रहता है, वाइट वाइट कलर, ये बहुत सही जगह है। और यहाँ पे एक्चुअली बताया है कि कहाँ पे क्या जाना है, आगे है वहाँ से अंदर जाना है, वैसे वो साइड जाना है, वैसे यहाँ से आए थे हम। जस्ट थोड़ा सा ऑफ रोड जा रहे हैं हम, लास्ट टाइम भी यहाँ से एक्सप्लोर किए थे हम लोग, ये बार भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है भाई ये प्लेस, माथेरन आया और यहाँ से थोड़ा आगे चल के नहीं गया तो मतलब नहीं बनता है। ये वाह, यहाँ से एक रोड दिख रहा है मुझे शायद, ये देखो गाइस रेल रूट आ गया, अपने को अभी यही फॉलो करना है, अपन यहाँ से निकलेंगे अभी सीधा सीधा, सबसे बेस्ट उस पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से चल के आ जाना, चलते चलते आपको यहाँ पे एक लैम्प लाइट दिखेगा, ठीक नीचे देखेगा तो आपको दिख जाएगा रेल रूट, और यूजुअली पहले के लोग यहाँ से ही जाते थे, हम भी यहीं से जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखता है, और एक बार ट्रेन दिख गया तो मज़ा है भाई। जस्ट जंगल से बाहर निकलते ही हम लोग आ गए हमारे ये वाले रूट पे, रेल रूट पे, एक ही रेल रूट है यहाँ पे पूरा, और यही है वो, और हम आए थे इस ऊपर से जंगल से, वहाँ पे आपको ग्रीन हिल रिजॉर्ट का एक साइन दिखेगा, तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर, चलो मस्त एकदम बीच में से चलो, और क्या। सो गाइस आ रहा है हमारा ट्रेन यहाँ पे, देख सकते हो आप, तो चला गया हमारा ट्रेन। जस्ट जस्ट अभी अभी ट्रेन निकल गया यहाँ से, वाह अच्छा मोमेंट था, बट देखते अगर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं पता नहीं, पर देख सकते हो पीछे हम, मैं तो रेल रूट से ही चल रहा हूँ एक्चुअली, उसके ऊपर से ही चल रहा हूँ, तो भाई जो मानसून का जो स्मेल होता है वाह, मैं यहाँ पे आके वो फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इतना बारिश गिरा ही नहीं है जितना यहाँ पे गिर रहा है, अभी अभी भी बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यो मोहित भाई कागे पुशिन नो जुत्सु। चल रहे हैं हम रेल रूट से, मस्त एक टर्निंग आ गया है यहाँ पे,
ओ क्या बताओ, अभी यहाँ पे मस्त पानी होना चाहिए था बट नहीं है पानी। ओ सी वहाँ से देखो नॉर्मल रास्ता भी दिख रहा है। हाँ अगर चल रहा होता तो वहाँ से चल रहे होते हम लोग। अच्छा वो नीचे आ गया जो इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। सी ऊपर तो सिर्फ रोड ही है, नथिंग एल्स। वो भाई वो देखो फॉग। हाउ इज इट ब्रो? ऑसम awesome. देखो व्यू मस्त है यहाँ से। चलो निकलते आगे। सी बंदर भी है छोटे छोटे। वट एवर। यहाँ पे कुछ है जो पब्लिक फोटो ले रहा है, पता नहीं। आई डिंट थिंक कि मैंने लास्ट टाइम देखा था ऐसा कुछ। शायद मैं लास्ट टाइम ऊपर ही था ये टाइम तक। सो या ओके, टाइगर रॉक दिख रहा है यहाँ पे। एक फॉग देख रहे हो भाई, फुल फॉग। सो देख सकते हो मस्त एरिया आया है। तो ये वाले पॉइंट पे इतना रुक नहीं रहा हम लोग। सोचा था ड्रोन लाया हूँ मैं उड़ाऊ, लेकिन यहाँ पे इतना फॉग है कि आने नहीं वाला है कुछ। तो बस थोड़ा सा चलते ही यहाँ पे एक वड़ा पाव का स्टॉल आ गया है उस पर। बाकी थोड़ा और चलना है, हम लोग टाउन पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैं बताया था वड़ा पाव का स्टॉल है। वहाँ पे हम आए हैं, कुछ छोटा जूस वूस पी लेते हैं थोड़ा। लोग ने यहाँ से ले लिया है सोडा, तो यहाँ से मिलता है आई गेस 40 रुपीज़ लास्ट है, राइट? 40 रुपीज़ लास्ट में मिला है। जस्ट अभी अभी हम लोग फ्रेश हो गए एकदम नींबू सोडा पी के, चल रहे हैं हम लोग मस्त। सो गाइस वाओ, चलते चलते ऐसे एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा रिलैक्स सेंटर जैसा बना के रखा है। स्नैक्स है यहाँ पे, स्नैक वगैरह मिलता है। एंड आप देख सकते हो ओ वाले रूट जहाँ से हम लोग पहले चल रहे थे, कौन सा ओ वाला, देखो वहाँ पे अभी भी घोड़ा लेके जा रहे पब्लिक। तो अगर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग आके यहाँ से हम लोग रेल रूट पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा करता तो हमें ट्रेन नहीं दिखता था क्योंकि इसके आगे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी घर वगैरह होटल वगैरह दिखने लगा है। तो मोस्टली ये जो उस साइड में दिख रहा है ना वो सब होटल वगैरह है। तो देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, वाह छोटा मोटा स्टॉल्स एंड ऑल। या सो गाइस, अगर आप लोग को घोड़ा सवारी करना है ना तो यही रूट से जाना पड़ेगा। अगर चल के जाना है तो आई विल सजेस्ट आप रेल रूट पकड़ ले जो ठीक है, यहाँ पे पीछे है। तो हम लोग वहाँ से आए थे, जस्ट ये वाला रूट दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ बस। बाकी हम लोग वही से चल के जाने वाले हैं वापस, या फिर यहाँ से निकल जाए ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखते तो कैसा रेल रूट थोड़ा सा ज़्यादा ही चल चल के लग रहा था एक ही नज़ारा आ रहा है कब से। तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि चलो बेहतर है हम लोग ऊपर वाले रूट से चलते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सीनरी वगैरह दिखेगा दिखेगा। सी आगे चलना है उस रूट, और हमारा जो रेल रूट है वहाँ पे नीचे, उस रेल रूट के नीचे से आप लोग को ना एक्चुअली में बहुत सारा रिजॉर्ट्स वगैरह दिखेगा, जो होटल्स वगैरह है वो सब वहाँ पे दिखेगा। अभी आगे भी वही दिखने वाला, दिखाता हूँ अभी, चलो। सो ऐसे बीच बीच में ना आप लोग को ऐसा वॉशरूम बनाया हुआ दिखेगा, सबसे बेस्ट बेस्ट काम किया है लोग ने। कि हम जैसे लोग जो ज़्यादा पानी पीते हैं उनको ज़रूरत पड़ता है।
क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसे जगह पे यू नो पानी पीना अवॉइड करता हूँ, बट यहाँ पे उसका भी बंदोबस्त है। और क्या बोलता है मोहित, हाउ इज इट सो फार? आराम मिला, मजा आ गया? बहुत मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। नहीं आता ना, हाँ थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट होना चाहिए बीच में व्लॉगिंग में भी, तो मजा भी आता है, थोड़ा सा पब्लिक को भी एंटरटेन लगता है, फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फिर गोल्डन बटन मिलता है, सिल्वर बटन मिलता है, तो प्रोसेस ऐसे ही चलता है। सो गाइस देखो कैसा मस्त स्टोर से, और नीचे है रेल रूट वहाँ पे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बाजू बाजू में था, तो हम लोग चल के ऊपर आ गए वापस। सो ताकि ये मार्केट दिखा सको थोड़ा क्या क्या मिलता है। दिस इज मार्केट, वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड। मार्केट काफ़ी सोना सोना लग रहा है। अरे आगे और बढ़ा है। अच्छा, ये रेल रूट यहाँ पे ख़त्म होगा अब। हम लोग माथेरान मार्केट तक पहुंच गए, अब बस दिखा दूंगा आप लोग को आई लव माथेरान का साइन बोर्ड, वो तो यहाँ पे आके मैंडेटरी है भाई, एक फोटो तो बनता है वहाँ पे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारा फाइनल माथेरान रेलवे स्टेशन गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेशन है, वहाँ से रिटर्न आते वक्त आप बुक कर सकते हो ट्रेन, और यहाँ पे आई लव माथेरान वाला बोर्ड। सो या आई गेस ये स्टैचू अभी बना है, पहले नहीं था। अभी हम फोटोज वगैरह निकालेंगे, थोड़ा सा दिखाना मंगते हैं, तो फोटो तो मनते रहते हैं। हम पहुंच गए यहाँ पे मार्केट में, तो माथेरान वाले बोर्ड के यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्दी था, तो यू नो फोटो लेने पे लगे थे सब, तो वहाँ पे तो अभी लिया नहीं, देखते जाते वक्त मिला तो ठीक है, बाकी हमें जाना है बहुत दूर। जो बाहर से जो घोड़ा सवारी था ना वो मार्केट में यहाँ तक छोड़ता है, ओके पीछे देख सकते हो वहाँ से आ रहा घोड़ा, और यहाँ से स्टार्ट होता है एक एक पॉइंट्स के लिए, तो जो स्टार्टिंग से यहाँ तक था वो 350 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आ रहा था, अब यहाँ का प्राइस तो आइडिया नहीं है इतना। तो हमने यहाँ पे जगह जगह पे जाके ये पूछ रहा है कि मतलब प्रोटीन बार है क्या। प्रोटीन बार, मसल ब्रेस का प्रोटीन बार है, तो लिटरली यहाँ पे नहीं मिल रहा। और मैंने इसको बोला कि मैं तेरा ट्रिप स्पॉन्सर करूंगा अगर यहाँ एक एक दुकान में प्रोटीन बार मिल जाएगा तो, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं मिलेगा। ओ या तो जस्ट बीच में हमें एक गार्डन मिल गया है, तो सोचा चलो गार्डन का भी व्यू देख लेते, ये लास्ट टाइम यहाँ पे नहीं आया था तो इस बार ही कवर कर देता हूँ। क्या बोलता है मोहितवा? ऐसा ब्लॉगर की तरह घूमने तो अलग ही शान लग रही है। अलग फील आ रहा है, अलग ही वाइब आ रहा है। सो दिस इज माधव जी पॉइंट। माधव जी नहीं, नौरव जी, माधव जी पॉइंट। सो सी ये है गार्डन भाई, बढ़िया गार्डन यार, छोटा सा है बट पॉइंट वाइज देखा तो मस्त लग रहा है। इतना सा प्लेस है ये, वाव। ये एरिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना सा व्यू दिख रहा है, बट व्यू दिख रहा है क्योंकि इतना टाइम फॉग था तो नहीं दिख रहा था, बाकी ये एरिया छोटा सा प्लेस है, वापस जाएंगे हम ऊपर। अब वैसे मार्केट ख़त्म होने वाला है अभी, ओके तो यहाँ पे दिख रहा है मैप पूरा माथेरान का, ओके यहाँ पे इतना सारा पॉइंट्स है देख सकते हो। हम लोग आए हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर जो कि है कंडाला पॉइंट, तो या निकल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे बाजू में ही है। यहाँ पे ना आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे ये मार्केट पहुँचता है ना वहाँ से आप हॉर्स राइड कर सकते हो, पर हावर का 500 रुपीज़ होता है, वो लोग आपको सारे पॉइंट पहुँचा देते हैं, बट एक घंटे में तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है 3-4 घंटा तो लगेगा उसको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो अगर आपको चलने में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो। बाकी यहाँ पे आए हम लोग व्लॉग बना रहे तो हमको तो यू नो रुक रुक के करना पड़ेगा। सो गाइस दिस इज कंडाला पॉइंट, सी पहले से थोड़ा अलग लग रहा है बट ठीक है। वाओ ये साइड नहीं है,
हाँ तो यहाँ पे ना हम लोग ड्रोन उड़ाने का कोशिश किया, बट हुआ ऐसा कि जैसे ड्रोन निकाला बाहर बारिश स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पे भी पता चला कि यू नो अगर ड्रोन उड़ा रहे हो पुलिस वगैरह आता है तो दे विल फाइन यू, एक अलग सीन है। एक भला इंसान ने यहाँ पे बता दिया ऐसा भी होता है, तो सोचा रहने देता हूँ, रख देता हूँ, जो बारिश में रिस्क भी लूँ ऐसे। तो अब जा रहे हैं यहाँ से दूसरा पॉइंट। हाँ तो यहाँ से हम चल रहे एको पॉइंट की ओर। भाई सामने है इतना सुंदर व्यू, हे देखो गाइस कितना सुंदर लिख रहा है, सारे पेड़ वगैरह सब यू नो कर्व्ड टुवर्ड्स इनवर्ड, कितना मस्त लग रहा है भाई, वाओ। तो इधर तो एक 360 बनता है बॉस, इतना सुंदर व्यू दिख रहा है देखो। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे डिवाइड हो जाता है रूट, एक जाता है शार्लट लेक और दूसरा जाता है एको पॉइंट के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं एको पॉइंट, और ज़्यादा नहीं थोड़ा और चलना है बस, यहाँ से तो एको पॉइंट पड़ जाएगा। ये देखो हम पहुंच गए एको पॉइंट। देखते हैं दिखता है क्या, स्टोर तो है यहाँ पे। तो गाइस चल चल के हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एको पॉइंट पे, तो एको पॉइंट दिखाता हूँ। कितना नैरो रोड है और कितना मस्त लग रहा है सी। देखो एपिक स्टोर है, दिस इज एको पॉइंट, बाई स्लीपर ही है। वाओ दिस इज द पॉइंट, दे है एको पॉइंट। Thank you.
ओके सो गाइस, हम लोग ये वाले पॉइंट से तो निकल गए, अभी जा रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। मोस्ट प्रोबेबली शारट लेक जाएंगे। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, हम लोग ने काफ़ी रेस्ट ले लिया था यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो पहले से चलने नहीं होता है क्योंकि हम कैलोरी डिफिसिट में है फिलहाल, तो बहुत कम कैलोरी में कितना काम करेंगे भाई। तो इस बार जितना पॉसिबल होगा उतना ही दिखाऊंगा मैं। तो अभी हम जा रहे हैं शार्लट लेक वाले व्यू पॉइंट पे, देखते हैं। सो मे बी ये आज का लास्ट व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी है, हम स्टे तो कर नहीं रहे। अगर आपको सारा पॉइंट देखना है ना, तो आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। सो गाइस, लास्ट टाइम के वीडियो में भी मैं बताया था ये कैसा घर आ जाता है जिसके बाहर बहुत सारे स्टैचूज वगैरह हैं, उन्होंने थोड़ा सा हॉन्टेड वाला फील देगा आपको। एंड ये है वो विलायस, यहाँ पे है कोई रहता है मे बी, नॉट श्योर, बट अगर ये यहाँ पे रहने को मिल जाए ना भाई, मज़ा आ जाएगा। देखो वो दिख रहा है, छोटे 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 ये है स्टैचूज वगैरह है थ्रू आउट द वे वहाँ तक है। तो कैसे रास्ते है देखो, लॉन्ग वे टू गो। तो ठीक पीछे है मेरा यहाँ पे शार्लट लेक। तो यार हमारा मोहित भाई क्या बोलता है, मोहित कैसा था अभी तक का सफर? शार्लट लेक जो खड़वली डैम की तरह दिख रहा है मेरे को। हाँ एक्चुअली अभी पानी पूरा सूख गया है, जब पानी रहता था ना भाई पूरा ऊपर तक पानी रहता था, मेरे को पता ही नहीं था कि इतना डीप तक है ये, और वहाँ पे एक पाथ भी है चलने को। लास्ट टाइम जब आया था कुछ नहीं था भाई, पूरा पानी था, पूरा ऊपर तक पानी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज और नहीं चल सकता, अभी 3 तो बज गया इधर ही, और हमें जाना है, थोड़ा जल्दी करना है। तो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आई यार लगना चाहिए अच्छा, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली बार मिलेंगे, अंटिल देन गुड बाय। तो गाइस हम लोग अभी 40 to 45 minutes चल के माथेरान स्टेशन से सीधा अमन लॉज क्रॉस करके एकदम अपने एंट्री लेवल, मतलब जहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गए। तो इतना चल रहे हैं वो भी इतनी धमाकेदार बारिश में, तो लाइक बहुत ही खतरनाक था, हर जगह से पानी बह रहा था, चलने को नहीं हो रहा था, इतना स्लिप हो रहे थे हम, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो फाइनली हम पहुंच गए, तो अब मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। तो अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं ऑन अ गुड नोट, काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, जल्दी ही यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके देन, सी या गुड बाय।